अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर का पहला पार्ट जो गैसेस। आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर का दूसरा पार्ट लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लिक्विड्स इज द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। मैटर का वो स्टेट जिसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन उसका शेप डेफिनेट नहीं होता। अगर आप गैसेस को देख ली तो गैसेस का ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना उसका शेप डेफिनेट होता है। यहाँ पे लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि लिक्विड में इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेज, तो उसका वॉल्यूम डेफिनेट और शेप इनडेफिनेट होता है लिक्विड का। अच्छा, फिर काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी की कुछ पास्टुलेट्स है अबाउट दिस स्टेट ऑफ मैटर, मतलब लिक्विड के बारे में काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी हमें क्या बताता है कि लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स। लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है सॉलिड से और कम इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस से। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है बिटवीन गैस एंड सॉलिड, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बीच में आती है गैस और सॉलिड की। दूसरा जो आपके पास पॉइंट है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो गैसेस से स्ट्रॉन्गर होते हैं लेकिन सॉलिड से थोड़े से वीक होते हैं, तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है आपके पास। तीसरा जो पॉइंट है वो है नो एम्प्टी स्पेसेस इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड के वॉल्यूम में कोई भी खाली जगह आपके पास नहीं होती, जिस तरह गैसेस में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास इसका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है क्योंकि इसमें खाली जगह नहीं होती। द फोर्थ पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। लिक्विड के मॉलिक्यूल कांस्टेंट मोशन करते हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं। दे स्लाइड ओवर ईच अदर। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर से स्लाइड करता है, कांस्टेंट मोशन होता है जिसके लिक्विड के मॉलिक्यूल में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ पास्टुलेट्स हो गए KMT के अबाउट लिक्विड्स। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं आपके पास। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में क्या है, सबसे जो नंबर वन प्रॉपर्टी है वो आपके पास है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि दो लिक्विड्स का आपस में मिल जाना, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना। जिस तरह गैसेस में डिफ्यूजन होता है ना वो ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है, तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन है ना लिक्विड में वो भी हमारे पास इसमें डिफ्यूजन होता है, लेकिन ये जो डिफ्यूजन होता है यहाँ पे लिक्विड्स में वो वेरी स्लो डिफ्यूजन। इसमें जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है, क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। जितनी इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे उतना आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा। अच्छा, फिर एक और प्रॉपर्टी है आपके पास लिक्विड की जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब लिक्विड में कब एक्सपेंशन होती है, जब आपके पास लिक्विड को आप जब लिक्विड को हीट करते हो, उसको आप टेम्परेचर देते हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हो, तो आपके पास लिक्विड एक्सपेंड हो जाता है। और लिक्विड जब एक्सपेंड हो जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। सो लिक्विड्स एक्सपेंड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे आपके पास लिक्विड की, और ये KMT की पास्टुलेट हो गई। और लिक्विड होता क्या है, तो ये चीज़ें आपके पास स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन करती है।